नमस्कार। लास्ट क्लास में हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की बात कर रहे थे, इस क्लास में भी हम उसको कंटिन्यू रखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि लायबिलिटी क्या होती है, डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, बिल रिसीवेबल क्या होते हैं, बिल्स पेबल क्या होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं एंड ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं। आज हम कुछ और अकाउंटिंग टर्म्स को समझेंगे। लो जी आइए दोस्त, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मान लीजिए ये 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को ईयर की क्या होती है बिगनिंग, और 31 मार्च को क्या होती है क्लोजिंग, क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं अकाउंटिंग करते समय। मैं कहता हूँ ये दोस्त है 1 अप्रैल 2017 और यहाँ पर ख़त्म हुआ ये साल 31 मार्च 2018 को। इस पीरियड के दौरान बिजनेस ने जिस चीज़ में बिजनेस डील कर रहा है, जिस सामान को बेचता है, उस सामान को क्या किया होगा, खरीदा होगा। मैं कहता हूँ बिजनेस ने यहाँ पर कुछ गुड्स खरीदे इस पीरियड के दौरान, और वो खरीदे दोस्त 10 लाख रुपीज़ के। और जब साल की क्लोजिंग हुई तो हमने देखा कि 10 लाख रुपए के जो हमने गुड्स खरीदे थे उसमें से 3 लाख रुपए के गुड्स अभी भी बिक नहीं पाए, अनसोल्ड हैं। मतलब कितने के हमने सेल कर दिए होंगे, 7 लाख रुपीज़ के। अब जो ये स्टॉक यहाँ पर बच गया, जो ये गुड्स यहाँ पर बच गए 3 लाख रुपए के, जो अभी तक नहीं बिके साल के एंड में, इसको हम बोलेंगे दोस्त इस साल का क्लोजिंग स्टॉक, या आप इसको बोल सकते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब इसको आप क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर बेचेंगे। यस दोस्त, नेक्स्ट ईयर बेचेंगे। तो इसके ऊपर जो ये स्टॉक है, इसके ऊपर ओनरशिप किसकी है, बिजनेस की ओनरशिप है। और इस चीज को हम इन फ्यूचर किस में कन्वर्ट करेंगे, कैश में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बिजनेस की क्या हुई, इसको हम एसेट भी बोल सकते हैं, बिजनेस की ये एसेट है। मतलब जो स्टॉक बिजनेस के पास बच जाता है साल के एंड में, उसको हम एसेट बोलेंगे, लेकिन इसको हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये कौन सी एसेट हुई दोस्त, करंट एसेट। अब दोस्त यहां पर ये साल की एंडिंग हुई थी 31 मार्च 2018 को, अब नया साल जो स्टार्ट होगा वो कौन सी डेट को होगा, 1 अप्रैल 2018 को। तो जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल का बन जाएगा क्या, ओपनिंग स्टॉक, या आप इसको बोल सकते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। पिछले साल के एंड में आपका 3 लाख का सामान नहीं बिक पाया था, तो इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक कितने का होगा, 3 लाख का होगा। लेकिन जो इन्वेंट्री होती है इसके भी काफ़ी टाइप्स होते हैं, जैसे इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, उसको हम बाद में समझेंगे। लेकिन पहले स्टॉक को हमने समझ तो लिया स्टॉक होता क्या, लेकिन एक बार रीड कर लेते हैं स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। कहता स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट। स्टॉक क्या है, टेंजिबल एसेट, इसको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। किसकी है, हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज, मतलब बिजनेस इसको हेल्ड करता है। क्यों हेल्ड करता है, फॉर द पर्पस ऑफ सेल, क्योंकि इन फ्यूचर इसको क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या फिर क्या किया जाएगा, और फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मतलब जिस चीज में बिजनेस प्रोडक्शन कर रहा है, जिस चीज की प्रोडक्शन कर रहा है वहां पर इसको यूज किया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं बिजनेस का काम है वुडन की चेयर बनाना, तो जो बिजनेस के पास वुड बची हुई है वो भी बिजनेस का स्टॉक है, इसको कहां पर यूज किया जाएगा, चेयर की प्रोडक्शन करने में, तो इसको बोलते हैं स्टॉक, जो 31 मार्च को हमारे पास बच जाता है। और जो 31 मार्च को बचता है इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक या फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री, और ये अगले साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक या फिर ओपनिंग इन्वेंट्री। अब देखिए दोस्त इसके टाइप्स कि क्या टाइप्स होते हैं इन्वेंट्री के। नंबर 1, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सर ये होता क्या है, देखिए दोस्त मैं कहता हूँ ये आदमी है मैन्युफैक्चरर, मतलब ये आदमी मैन्युफैक्चरिंग करता है। मैं कहता हूँ ये वुड का फर्नीचर बनाता है, ठीक है जी, फर्नीचर बनाने का इसका काम है। तो सबसे पहले ये आदमी क्या करता है, सबसे पहले ये आदमी वुड खरीदता होगा, मतलब बाय करता होगा, फिर क्या करता होगा, फिर फैक्ट्री में ये वुड जाती होगी और फिर इससे क्या होती होगी, मैन्युफैक्चरिंग होती होगी, और फिर बाद में फर्नीचर बनके तैयार हो जाता होगा और फिर इसको क्या कर दिया जाता होगा, सेल कर दिया जाता होगा। और जो अब 31 मार्च को मान लीजिए बिजनेस के जो गोडाउन में जो वुड पड़ी है उसको हम नाम देंगे इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा जी 31 मार्च को ऐसा भी तो होगा कि फैक्ट्री में सारे का सारा सामान बनके तैयार थोड़ा हो गया, फैक्ट्री में कुछ काम अभी भी चल रहा होगा 31 मार्च को, तो कुछ आधा अधूरा फर्नीचर बनके तैयार हुआ होगा, इसको हम नाम देंगे, जो ये स्टॉक बचा पड़ा है हमारी फैक्ट्री में, इसको हम नाम देंगे इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस।
और जो हमारा आउटलेट है वहां पर फिनिश गुड्स बन के तैयार पड़े हैं लेकिन अभी तक बिक नहीं पाए, तो उसको हम नाम देंगे इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, जो मतलब बन के तैयार पड़े हैं। ठीक है जी, तो यहां पर हमें समझ में आया इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल क्या होता है, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है एंड इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स क्या होता है। अब मैं बात करता हूं ट्रेडर की, मतलब जो सामान बेचता है मार्केट से खरीदता है और बाद में बेच देता है सीधा सीधा, मतलब खुद की प्रोडक्शन नहीं करता, तो इसको बोला जाता है ट्रेडर। जैसे मैं कहता हूं ये आदमी ट्रेडिंग करता है किस चीज की, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की, मतलब पहले वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खरीदता है और उसको सीधा सीधा क्या कर देता है, सेल कर देता है, मतलब इसका काम है बाय करना एंड सेल करना। तो यहां पर मैं कहता हूं जी 31 मार्च जब साल खत्म हुआ तो इसके पास कुछ सामान पड़ा है, कुछ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अभी भी बचे हुए पड़े हैं, तो इसको हम नाम देंगे इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब जो सामान बना बनाया आपने खरीदा था बेचने के लिए उसको बोला जाएगा इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा जी, जो 1 अप्रैल को हमारे पास स्टॉक पड़ा होगा इसको आप नाम देंगे ओपनिंग स्टॉक का, एंड जो 31 मार्च को हमारे पास बच जाएगा उसको आप नाम देंगे क्लोजिंग स्टॉक का। तो यहाँ पर हमें इन्वेंट्री का मतलब पता लगा, हमें पता लग गया इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल क्या होता है, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, मतलब जो फैक्ट्री में आधा अधूरा काम अभी पूरा हुआ है, ठीक है, अभी मतलब पूरा प्रॉपर फिनिश गुड बन के तैयार नहीं हुए तो उसको क्या बोला जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस, और जो सामान बन के तैयार हो चुका है उसको बोला जाएगा इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, और इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, जो सामान आपने बना बनाया खरीदा था बेचने के लिए, और जो उसका सामान वो सामान जो पड़ा है आपके पास 31 मार्च को उसको बोला जाएगा इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब आते हैं जी दोस्त रिसिप्ट क्या होती है, कहता रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स गुड्स एंड सर्विसेज। रिसिप्ट का मतलब है बिजनेस को कोई भी ऐसा अमाउंट रिसीव हो रहा है या इन फ्यूचर रिसीव होगा, क्यों रिसीव होगा, क्योंकि बिजनेस ने अपनी एसेट्स को बेच दिया या फिर गुड्स को बेचा या फिर कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड की, तो उसके बदले में जो भी अमाउंट बिजनेस को रिसीव हुआ या रिसीव होगा इन फ्यूचर तो उसको बोला जाएगा बिजनेस की रिसिप्ट। आगे हम रिसिप्ट को 2 पार्ट्स में बांट देते हैं, एक होती है रिवेन्यू रिसिप्ट, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट कंसिस्ट ऑफ रेकरिंग रिसिप्ट इनटू द बिजनेस। रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब है रेकरिंग नेचर की होनी चाहिए, मतलब जो रिसिप्ट बिजनेस को बार बार रिसीव होती है जो कि रेकरिंग नेचर की है, मतलब बिजनेस को बार बार वो पैसा रिसीव होता है जी, ठीक है जी, तो उसको बोला जाएगा रिवेन्यू रिसिप्ट। जैसे मैं कहता हूँ जी क्लोथ का बिजनेस है, वहां पर बिजनेस को जो क्लोथ बेचकर पैसा रिसीव होगा उसको हम बोलेंगे रिवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि ये रेकरिंग नेचर का काम है। आपका काम क्या था, क्लोथ को बेचना, तो ये तो बार बार होता रहेगा ना बिजनेस के अंदर, तो इस रिसिप्ट को बोला जाएगा रिवेन्यू रिसिप्ट। कहता है सेल प्रोसीड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब आप गुड्स को बेच रहे हैं या किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले में जो आपके पास पैसा आ रहा है वो होगी रिवेन्यू रिसिप्ट। जैसे मैं कहता हूं बिजनेस ने बैंक में एफडी करवा दी, कुछ अमाउंट की एफडी करवा दी, फिक्स्ड डिपॉजिट करवा दिया, जिसके बदले में बिजनेस को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, और ये भी रेकरिंग नेचर का है, बिजनेस को बार बार मिलता रहेगा, तो ये भी कौन सी रिसिप्ट होगी, रिवेन्यू रिसिप्ट। अच्छा जी, बिजनेस के पास एक प्रॉपर्टी पड़ी थी जिसको बिजनेस ने किराए पर चढ़ा दिया और उसके बदले में हर महीने रेंट आता है, तो ये भी कौन सी रिसिप्ट मानी जाएगी, रिवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि ये भी रेकरिंग नेचर की है। ठीक है जी दोस्त, क्लियर है। अब आते हैं हम कैपिटल रिसिप्ट के ऊपर कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है। कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट कंसिस्ट ऑफ नॉन रेकरिंग रिसिप्ट इन टू द बिजनेस, मतलब ये नॉन रेकरिंग नेचर की होती है, मतलब ये काम बार बार नहीं होता, ऐसी रिसिप्ट बिजनेस को बार बार नहीं मिलती, कभी कभी होता है जी ये काम। जैसे मालिक बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करता है वो बार बार थोड़ा ना इन्वेस्ट करता रहता है पैसा, ठीक है ना, तो वो कभी कभी इन्वेस्ट करता है, तो बिजनेस को जो कैपिटल मिल रही है, जो इन्वेस्ट जो अमाउंट मिल रहा है किससे, ओनर से, तो वो भी क्या होगा बिजनेस के व्यू पॉइंट से, उसको भी हम कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे, जैसे कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर। अगला एग्जांपल मैं लेता हूँ, बिजनेस ने बैंक से लोन लिया, क्या बिजनेस बैंक से लोन बार बार लेता रहता है, नहीं जी ऐसा तो नहीं होता ना, बैंक बार बार लोन देगा, तो हमने जो बैंक से लोन लिया उसके बदले में हमें क्या अमाउंट, जो अमाउंट रिसीव हुआ तो वो बिजनेस के व्यू पॉइंट से क्या चीज़ है, रिसिप्ट ही तो है। तो यहाँ पर मनी बोरोड फॉर द बिजनेस, मतलब आपने अगर बिजनेस के लिए बाहर से मनी बोरो की है, बैंक से लोन लिया है, तो उसको भी कौन सी रिसिप्ट माना जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। अच्छा जी, जैसे मान लीजिए आप क्लोथ का बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास एक फर्नीचर पड़ा है जो कि पुराना हो चुका है, तो आपने सोचा इसको क्यों ना बेच दिया जाए मार्केट में और एक नया फर्नीचर लेके आया जाए, तो आपने जो फर्नीचर को बेचा, ओल्ड फर्नीचर को, उसके बदले में आपको अमाउंट रिसीव हुआ, आपने एसेट को बेच दिया, तो ये भी कौन सी रिसिप्ट मानी जाएगी, इसको भी हम बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। क्यों, क्योंकि यहां पर बिजनेस का मेन जो काम था वो कपड़ा बेचना था, बिजनेस ने अपनी एसेट को बेचा और अमाउंट रिसीव हुआ, ये काम बिजनेस के अंदर बार बार नहीं होता, ये नॉन रेकरिंग नेचर है,
तो यहाँ पर अगर आप अपनी बिजनेस की फिक्स एसेट को बेचते हैं और वहाँ से कुछ अमाउंट बिजनेस को रिसीव होता है, तो वो भी कैपिटल रिसिप्ट ही माना जाएगा। तो हमें रिसिप्ट का मतलब भी समझ में आया। इसके साथ साथ हमने जाना रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती हैं और कैपिटल रिसिप्ट क्या होती हैं। अब हम जानते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होते हैं दोस्त? एक्सपेंडिचर का मतलब बिजनेस का खर्चा, मतलब अमाउंट को स्पेंड करना। पढ़ते हैं पहले फिर समझेंगे। कहते हैं एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? अमाउंट को खर्चना। क्यों खर्च रहा है बिजनेस? फॉर एक्वायरिंग एसेट, मतलब कुछ एसेट खरीद रहा है या कुछ गुड्स खरीद रहा है या कहीं से सर्विस ले रहा है। तो इसको भी क्या बोला जाएगा? जो ये अमाउंट स्पेंड कर रहा है, ये बिजनेस का खर्चा हुआ, इसको हम नाम देंगे एक्सपेंडिचर का। लेकिन एक्सपेंडिचर के आगे थ्री टाइप्स होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को पहले रीड करते हैं फिर समझ जाते हैं। कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, कह रहे द पेमेंट मेड फॉर द पर्पस ऑफ एसेट फॉर विच द बेनिफिट विल बी डिराइव्ड इन फ्यूचर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कहते हैं इट इज नॉन रेकरिंग पेमेंट, मतलब ये काम बार बार नहीं होता। कहते हैं इट इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, बिजनेस ने एक नई मशीन खरीदी, क्या ये काम, बिजनेस ने इसके ऊपर पैसा खर्च किया मशीन खरीदने के ऊपर, अमाउंट स्पेंट हुआ, क्या ये काम रेकरिंग नेचर का है? बिजनेस का काम है क्लोथ को प्रोड्यूस करना, उसके लिए बिजनेस ने एक मशीन खरीदी है मार्केट से, नहीं। तो ये काम नॉन रेकरिंग नेचर का है, मतलब बार बार नहीं होता ऐसा काम। और जो आपने मशीन के ऊपर पैसा खर्चा वो बार बार नहीं खर्चेंगे। और जो आपने मशीन खरीदी इससे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और बिजनेस को क्या मिलेगा इन फ्यूचर? बेनिफिट मिलेगा। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कभी कभार हो रहा है ये काम। अच्छा जी, इसके अलावा मैं कहता हूँ बिजनेस ने नया फर्नीचर खरीदा, नया सोफा खरीदा, नया टेबल खरीदा, तो ये काम भी बार बार नहीं होता। इससे बिजनेस की क्या होगी? अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। बिजनेस ने एक नई बिल्डिंग खरीदी, नया लैंड खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, तो यहां पर जो बिजनेस अमाउंट स्पेंड कर रहा है वो बिजनेस का एक्सपेंडिचर है। लेकिन कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे लैंड को परचेस करना, बिल्डिंग को परचेस करना, मशीनरी को परचेस करना, कंप्यूटर का परचेस करना, तो ये बिजनेस के कैपिटल एक्सपेंडिचर थे। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को पढ़ते हैं फिर समझ जाते हैं। कहते हैं द अमाउंट इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट पीरियड इज कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहते हैं अगर आपने कहीं पर अमाउंट खर्चा और उसका जो बेनिफिट है आपको विद इन वन ईयर मिल जाएगा, मतलब उसको आप कंज्यूम कर लेंगे विद इन वन ईयर, तो वो बिजनेस का कौन सा खर्चा होगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। जैसे मान लीजिए बिजनेस के अंदर लाइटिंग चल रही है और लाइटिंग को चलते हुए उसका क्या आता है, बदले में क्या आता है? आपको बिल पे करना होता है, तो वो खर्चा कौन सा खर्चा होगा? जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल का खर्चा होगा, तो वो कौन सा खर्चा होगा? ये डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, इनको हम बोलेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं कहता हूँ जी मैं टीच करता हूँ तो मैं ये पेन खरीद कर लेकर आया, मेरा कुछ खर्चा हुआ, लेकिन इसका बेनिफिट तो मुझे विद इन वन ईयर मिल जाएगा, ठीक है जी, इसको तो मैं कंज्यूम कर दूंगा कुछ दिनों में, तो ये भी कौन सा खर्चा है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने एक न्यू नोटबुक खरीदी अपने यूज के लिए, तो उसको भी उसकी भी कंजम्पशन हो जाएगी, ये भी डे टू डे एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के। अच्छा जी, ऑफिस एम्प्लॉइज की सैलरीज, ऑफिस के क्लीनिंग के खर्चे, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे, ये सारे के सारे खर्चे को कौन सा खर्चा मानेंगे आप? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, ये बार बार होते हैं, इनका नेचर जो है रेकरिंग नेचर है, ये बार बार होते रहते हैं बिजनेस के अंदर, तो ये सारे के सारे खर्चे को आप बोलेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आइए देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस, कैरेज, एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा। आगे चलते हैं जी दोस्त, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कहते हैं जी? कहते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ रिवेन्यू इन नेचर। कहते हैं जो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रिवेन्यू है नेचर में वैसे तो, बट इट गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। लेकिन इसका बेनिफिट आपको कुछ ज़्यादा लंबे समय के लिए मिलता है, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा के लिए मिलता है। जैसे दोस्त मैं कहता हूँ ये साल है दोस्त 1 अप्रैल 18 एंड 31 मार्च 19, ये फाइनेंशियल ईयर है दोस्त 18-19। मैं कहता हूँ कि मैंने जो लास्ट के 3 महीने थे इस साल के, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, मैंने यहाँ पर लार्ज स्केल पर एडवर्टाइजमेंट की। अब एडवर्टाइजिंग ये तो बार बार करता है बिजनेस, तो एक तरीके से ये रेकरिंग नेचर है, तो ये रिवेन्यू खर्चा माना जाना चाहिए वैसे, लेकिन इसका जो बेनिफिट है ना आपको इन 3 महीनों के अंदर तो मिलेगा ही मिलेगा,
और कुछ लंबे समय के लिए भी मिलेगा, मतलब 18-19 में भी आप इसका बेनिफिट उठा रहे हैं और आपको 19-20 में भी इसका बेनिफिट मिलेगा अगर आपने लार्ज स्केल पे एडवर्टाइजमेंट की है। तो ये दिखने में तो रिवेन्यू है क्योंकि बिजनेस बार बार अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करता है, ये रेकरिंग नेचर का खर्च है, लेकिन इसका जो फायदा है आपको मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मिल रहा है। तो ऐसे खर्चों को आप बोलेंगे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। तो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल दोस्त हमारे पास क्या है, लार्ज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। लो जी दोस्त, अब जानते हैं परचेज। ये परचेजेस क्या होती है, कहते हैं परचेज वर्ड इज यूज फॉर परचेजेस ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश प्रोडक्ट्स विच आर ऑल्सो टू बी सोल्ड, जो कि बेचे जाएंगे इन फ्यूचर। जैसे मैं कहता हूँ आप बिजनेस कर रहे हैं दोस्त, किस चीज़ का, क्लोथ का। तो यहाँ पर आप क्लोथ को सबसे पहले खरीदेंगे, ट्रेडिंग करते हैं जी, खरीदते हैं बेचते हैं। तो सबसे पहले क्लोथ को खरीदेंगे, तो यहाँ पर क्लोथ बिजनेस के व्यू पॉइंट से क्या है, गुड्स, क्योंकि ये सामान हम बेचने के लिए खरीद रहे हैं। तो जब बिजनेस गुड्स खरीदेगा ना दोस्त, गुड्स को बाय करेगा, तो आप अकाउंटिंग में जब अकाउंटिंग करेंगे तो इसको किस नाम से दिखाना, परचेस के नाम से। आप इसको हमेशा किस नाम से शो करेंगे, परचेस के नाम से शो करेंगे। एग्जांपल मैं कहता हूँ बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग करता है जी, किस चीज़ की सर, मैं कहता हूँ फर्नीचर बनाता है, और फर्नीचर को बनाने के लिए पहले मार्केट से वुड खरीदता है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये बिजनेस के व्यू पॉइंट से क्या चीज़ है, गुड्स है। तो जब आप वुड खरीदेंगे तो इसको किस नाम से शो करेंगे अकाउंटिंग करते समय, आप इसको बोलेंगे परचेस। मतलब अगर बिजनेस गुड्स खरीद रहा है तो अकाउंटिंग करते समय आप उसको हमेशा किस नाम से शो करेंगे, परचेस के नाम से। अगर मान लीजिए बिजनेस क्लोथ का है और बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा, एसेट खरीदी, तो तब आप परचेस वर्ड उसके लिए यूज नहीं करेंगे। तो परचेस वर्ड आप कब यूज करेंगे, जब बिजनेस क्या खरीदता है, गुड्स। और परचेस दोस्त कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है। अगर कैश में गुड्स खरीदे तो उसको बोलेंगे कैश परचेस, और अगर क्रेडिट में गुड्स खरीदे तो उसको बोलेंगे क्रेडिट परचेस। अब आते हैं परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न क्या होती है, कहते हैं गुड्स परचेस मे बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन से दे आर डिफेक्टिव। पहले हमने गुड्स खरीदे थे, बिजनेस ने गुड्स खरीदे, मान लीजिए उसमें से कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकल गए, तो हम क्या कर देंगे, उसको वापस कर देंगे जिस आदमी से हमने सामान खरीदा था। तो इसको आप नाम देंगे अकाउंटिंग करते समय परचेस रिटर्न, ठीक है जी। और इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। आगे चलते हैं दोस्त सेल्स। अब सेल्स वर्ड कब यूज करेंगे, जैसे यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया था कि बिजनेस है क्लोथ का। अब बिजनेस क्लोथ का है, बिजनेस ने क्लोथ खरीदा जिसको हमने बोला गुड्स, और गुड्स को जब हम खरीदेंगे तो किस नाम से दिखाना है आपने, परचेज के नाम से। अब बिजनेस बाद में क्या करेगा, इस गुड्स को सेल करेगा, क्लोथ्स को सेल करेगा, बेचेगा। तो जब आप गुड्स को बेचेंगे तो उसके लिए अकाउंटिंग करते समय आप जो वर्ड यूज करेंगे वो वर्ड यूज करेंगे सेल, ठीक है जी, क्लियर है यहां। अच्छा जी, यहां पर बिजनेस क्या मैन्युफैक्चर कर रहा था, फर्नीचर। जब आप फर्नीचर को बेचेंगे मार्केट में तब आप वर्ड यूज करेंगे अकाउंटिंग करते समय क्या चीज, सेल, ठीक है जी। अगर मान लीजिए यहां पर बिजनेस किस चीज़ का काम कर रहा है, क्लोथ का, बिजनेस ने अपने फर्नीचर को बेचा, तब आप यहाँ पर फर्नीचर वर्ड यूज़ करेंगे, सेल वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। मतलब गुड्स को जब बेचेंगे तो सेल वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई अपनी एसेट आप बेच रहे हैं तो आपने सेल वर्ड वहाँ पर यूज़ नहीं करना। पढ़ लेते हैं, कहते द टर्म सेल्स इज एसोसिएटेड विद और यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स। जो सेल वर्ड है वो किससे एसोसिएटेड है, जब आप गुड्स को क्या करेंगे, बेचेंगे, ठीक है जी। और सेल्स कैश में भी हो सकती हैं, क्रेडिट में भी हो सकती है। अगर आपने कैश में सामान को बेचा तो आप बोलेंगे कैश सेल्स, अगर आपने क्रेडिट में सामान को बेचा तो आप बोलेंगे क्रेडिट सेल्स। अब आते हैं सेल रिटर्न। हमने अपने कस्टमर को सेल किया था सामान, अब कस्टमर को कुछ सामान पसंद नहीं आया या उनमें से कुछ सामान डिफेक्टिव निकल गया, तो वो हमें क्या करेगा, वापस करेगा। तो इसको बोला जाता है अकाउंटिंग करते समय, तब आप वर्ड कौन सा यूज करेंगे, सेल्स रिटर्न। कह गुड्स रिटर्न बाय द परचेजर आर टर्म एज सेल्स रिटर्न। सेल रिटर्न का दूसरा नाम दोस्त क्या है, रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड, ठीक है जी। तो रिटर्न इनवर्ड और सेल रिटर्न एक ही मतलब है, लेकिन सेल रिटर्न वर्ड आपने कब यूज़ करना है, जब गुड्स की क्या होती है, वापसी होती है, कस्टमर को पसंद नहीं आया या उनसे कोई भी सामान डिफेक्टिव निकल गया। अब आते हैं जी डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, पहले रीड करते हैं। कह रहे हैं द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ पेमेंट ऑफ गुड्स अलाउड बाय बिजनेस टू इट्स कस्टमर्स। मतलब बिजनेस जब गुड्स बेचता है अपने कस्टमर को तो कुछ पैसा छोड़ देता है, कुछ रिडक्शन कर देता है प्राइस में, तो उसको आप नाम देंगे
डिस्काउंट का। जैसे मान लीजिए मैं क्लोथ बेच रहा हूँ, 3000 की टी शर्ट थी, मैंने बोला जी 2900 में दे दूंगा आपको, तो बीच में कितने का गैप आया, मैंने कितने पैसे रिड्यूस कर दिए प्राइस में, 100 रुपये, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट 2 टाइप्स का होता है, कौन कौन सा सर? नंबर 1 इज ट्रेड डिस्काउंट, नंबर 2 इज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कौन सा होता है? कह रहा है द रिडक्शन इन द लिस्ट और कैटलॉग प्राइस अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। समझिए दोस्त, मैं कहता हूँ आप एक शॉप पर 1 kg शुगर खरीदने गए, दुकानदार ने बोला 40 रुपीज, अच्छा जी, कहते जी 1 किलो का भाव 40 रुपये, हमने उसको बोला भाई साहब 1 किलो नहीं चाहिए, 200 किलो चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट 200 किलो की है, मतलब 2 क्विंटल, हमने बोला आप बताओ जी कितना प्राइस लोगे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपसे सामान खरीद रहे हैं। वो कहते हैं जी अच्छा जी 1 किलो के ऊपर में वैसे मैं 40 रुपये रेट लगाता हूँ, आप तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान खरीद रहे हैं, तो लो जी 1 रुपया छोड़ देता हूँ पर केजी के ऊपर, आपको 39 रुपीज़ लगा देता हूँ। तो उसने 1 kg के ऊपर मुझे 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो 200 kg के ऊपर कितने का डिस्काउंट उसने मुझे दिया, 200 रुपये का ये डिस्काउंट उसने दे दिया। तो यहाँ पर उसने जो डिस्काउंट मुझे दिया, जो रिडक्शन की प्राइस में, वो क्यों की, उसका रीज़न क्या था? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान खरीद रहा था। तो जब आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान बेचते हैं तो और उसके ऊपर अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट अलाउ करते हैं, तो ऐसे डिस्काउंट को आप नाम देंगे किस चीज़ का, ट्रेड डिस्काउंट का, और अकाउंटिंग करते समय ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज द रिबेट अलाउड फॉर क्विक पेमेंट बाय कस्टमर, कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कहता हूँ जी हीरो कंपनी है जो कि बाइक बेचती है, आपने देखा होगा आज की डेट में नॉर्मल लोग बाइक्स और जो कार्स हैं वो उधार में खरीदते हैं, क्रेडिट में खरीदते हैं। तो मैं कहता हूँ इस बाइक की वैल्यू है 60,000, कंपनी को पता है जी लोग उधार में सामान ज़्यादा खरीदते हैं आजकल, तो अगर क्रेडिट में कंपनी इस बाइक को बेचेगी तो ये पड़ेगी बाइक 70,000 की विद इंटरेस्ट, और 10,000 का इसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा मान लीजिए, और यहाँ पर कंपनी को जो पैसा रिसीव होगा ये 70,000, ये काफ़ी सालों में रिसीव होगा, काफ़ी देर में रिसीव होगा, लेकिन कंपनी चाहती है इमीडिएट पेमेंट आए, लिक्विडिटी बनी रहे कंपनी के अंदर। तो कंपनी ने कस्टमर्स को बोला वैसे तो आप उधार पे खरीद लीजिए जी, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन हम एक स्कीम लेकर आए हैं कि अगर आप कैश में सामान को खरीदते हैं, कैश में बाइक को खरीदते हैं, तो हम ये जो 60,000 की बाइक थी आपको 57,000 रुपीज़ में लगाएंगे, मतलब आपको 3,000 रुपये कम कर देंगे जी हम ये बाइक बेचते समय। तो यहाँ पर कंपनी क्या चाहती है, कंपनी चाहती है जी इमीडिएट पेमेंट रिसीव हो जाए, आज ही पेमेंट रिसीव हो जाए, और उसके बदले में हम क्या दे देंगे, कस्टमर को डिस्काउंट दे देंगे। तो यहाँ पर कस्टमर अगर साथ के साथ पेमेंट करता है तो उसको कितने का फ़ायदा मिलेगा, 3,000 रुपये का। तो इसका मतलब ये जो डिस्काउंट दे रही है कंपनी, क्यों दे रही है, क्योंकि वो कैश इमीडिएट दे रहा है बिजनेस को, तो इसको हम नाम देंगे इस डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट। और जब अकाउंटिंग करते हैं ना दोस्त, तो इस कैश डिस्काउंट को आप अकाउंटिंग करते समय रिकॉर्ड करेंगे, मतलब शो करेंगे अपनी बुक्स में। ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं किया जाता, लेकिन कैश डिस्काउंट को शो किया जाता है। अब आता हूँ जी दोस्त मैं डेप्रिसिएशन पे। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब हमारी एसेट में कुछ गिरावट आ जाती है, उनकी वैल्यू में कुछ गिरावट आ जाती है, उसको बोलेंगे हम डेप्रिसिएशन। ये गिरावट क्यों आती है? यूजेस, आप उस सामान को बार बार यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ गिरावट आएगी, एफ्लक्स ऑफ टाइम, टाइम निकल गया जी, काफ़ी टाइम हो गया उसको यूज़ करते हुए, तो उसकी वैल्यू में क्या आएगी, गिरावट आएगी। जैसे आप समझिए, मान लीजिए आपने एक कार खरीदी दोस्त अपने बिजनेस के लिए 10 लाख रुपीज़ की, लेकिन मैं कहता हूँ 5 ईयर्स हो गए हैं इस कार को खरीदे हुए, आपने 5 साल इस कार को यूज़ किया और 5 साल निकल चुके हैं, तो इस कार की वैल्यू क्या आज भी 10 लाख रुपीज़ रहेगी? नहीं जी दोस्त, 10 लाख रुपीज़ इस कार की वैल्यू नहीं है, इस कार की वैल्यू कम हो चुकी है, मैं कहता हूँ इस कार की वैल्यू आज की डेट में ओनली 5 लाख रुपीज़ की है। तो यहाँ पर जो कितने की वैल्यू डिक्रीज हुई दोस्त, 5 लाख रुपये की वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग करते समय, जो वैल्यू कम हुई है ना इसको रिकॉर्ड करेंगे, जितने की वैल्यू एसेट की कम हुई उसको हम अकाउंटिंग करते समय रिकॉर्ड करेंगे। इसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में नाम देंगे किस चीज़ का, जो ये गिरावट आई वैल्यू में, इसको हम नाम देंगे किस चीज़ का, डेप्रिसिएशन।
अब बैड डेट्स क्या होते हैं? कह रहे द अमाउंट दैट हैज बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम अ डेटर आइदर ड्यू टू हिज इंसॉल्वेंसी और अदर रीजन. समझ नहीं आया, एक एग्जांपल लीजिए. मैं कहता हूं ये बिजनेस है, बिजनेस ने अपने कस्टमर को क्रेडिट में सेल की थी 5,000 रुपये की और इसको बोला था कि भाई साहब 2 महीने बाद पेमेंट कर देना हमारी, मतलब 2 महीने के क्रेडिट पे आपने सामान बेचा था इस आदमी को. लेकिन हो क्या गया, 8 महीने होने पर आए लेकिन ये आदमी पैसा देने का नाम नहीं ले रहा. क्यों नहीं ले रहा? मैं कहता हूँ जी ये आदमी इनसॉल्वेंट हो चुका है, मतलब ये आदमी कंगाल हो चुका है जी. इस आदमी के पास पैसा नहीं बचा, बैंकक्रप्ट हो चुका है जी. पैसा ही नहीं है तो हमारा पैसा कहाँ से दे देगा ये आदमी, या इसकी मंशा नहीं है हमारा पैसा वापस करने की. तो बिजनेस को लगता है 2 महीने का उधार पे हमने इसको सामान बेचा था, 8 महीने गुजर गए, हम इससे बार बार पैसे मांग रहे हैं लेकिन ये आदमी डिफॉल्टर निकला और हमारे पैसे नहीं दे रहा. और अब कंपनी को लगता है, अब बिजनेस को लगता है ये अमाउंट इन फ्यूचर हमें रिसीव नहीं होने वाला. तो यहाँ पर कंपनी को लगता है ये अमाउंट रिकवर नहीं होगा, तो इस अमाउंट को नाम देंगे बैड डेट्स. बिजनेस अकाउंटिंग लैंग्वेज में जो अमाउंट रिसीव नहीं होता हमको अपने डेटर से, उसको नाम देता है बैड डेट्स. और ये बिजनेस के व्यू पॉइंट से दोस्त लॉस माना जाएगा. ये बिजनेस के लिए क्या है? लॉस. तो यहाँ पर बिजनेस को कितने का लॉस हो रहा है? 5,000 रुपये का. तो इसको बोलेंगे आप अकाउंटिंग लैंग्वेज में बैड डेट्स. आइए जी नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं जिसको हम बोलेंगे रिवेन्यू. रिवेन्यू क्या चीज़ होती है जी, पढ़ लेते हैं. कहता है रिवेन्यू इन अकाउंटिंग मीन्स द अमाउंट ऑफ रेकरिंग नेचर फ्रॉम एनी सोर्स. मतलब जो काम बिजनेस बार बार करता है और उसके बदले में जो अमाउंट बिजनेस को रिसीव होता है उसको बोलेंगे रिवेन्यू. जैसे मान लीजिए बिजनेस का काम था क्लोथ को बेचना, तो यहाँ पर क्लोथ को जो बेचकर पैसा बिजनेस को मिल रहा है उसको बोलेंगे रिवेन्यू. या बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं बच्चों को सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, उसके बदले में जो फीस आती है उसको हम नाम देंगे किस चीज़ का? रिवेन्यू का. ये बिजनेस का मेन काम था. इसके अलावा भी कहीं और से भी बिजनेस को पैसा मिलता है जो कि रेकरिंग नेचर का होता है. जैसे मान लीजिए बिजनेस ने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया, FD करवा दी, उसके बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा. तो ये इंटरेस्ट जो मिल रहा है बिजनेस को ये भी क्या होगा? रिवेन्यू. बिजनेस के पास एक प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी, बिजनेस ने उसको रेंट पर चढ़ाया और रेंट मिलता है जी हर महीने, तो यहाँ पर जो रेंट बिजनेस को मिल रहा है ये भी क्या बोलेंगे जी? इसको रिवेन्यू. लेकिन यहाँ पर बिजनेस का मेन काम क्या था? गुड्स को बेचना या सर्विस प्रोवाइड करना. बिजनेस का मेन काम FD करना नहीं था या रेंट का पैसा कमाना नहीं था. तो जो बिजनेस का मेन काम था उसके बदले में जो बिजनेस को रिसिप्ट हो रहा है, जो पैसा मिल रहा है, उसको हम बोलेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो रिवेन्यू क्या होता है जी? जो रेकरिंग नेचर का है, जो बार बार बिजनेस को मिलता है एनी सोर्स कहीं से भी. ठीक है जी. जैसे एग्जांपल आप क्लोथ का बिजनेस कर रहे हैं, आपने शर्ट बेची दोस्त 3,000 रुपये की, ये बिजनेस के लिए क्या है? रिवेन्यू. ये पैसा मिला. मैं टीचर हूं, मैंने बच्चे से फीस ली 12,000, ये क्या है? रिवेन्यू. लेकिन ये मेरा मेन काम था तो इसको मैं बोलूंगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. यहाँ पर जो क्लोथ बिजनेस था, क्लोथ का बिजनेस था, उसका मेन काम था क्लोथ को बेचना, जो उसको 3,000 रुपये रिसीव हुए शर्ट बेच के, तो वो भी उसके लिए क्या है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. लेकिन मान लीजिए मैंने बैंक में FD करवा रखी है जिसके ऊपर मुझे हर महीने इंटरेस्ट मिलता है, तो उसको भी मैं बोलूँगा रिवेन्यू, बिजनेस का रिवेन्यू होगा. मान लीजिए मुझे हर महीने 2,000 रुपये का इंटरेस्ट कहीं से मिलता है, तो ये भी बिजनेस का रिवेन्यू है, लेकिन मैं इसको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं बोलूँगा क्योंकि ये मेरा मेन काम नहीं था. मैंने अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको किराए पर चढ़ा रखा है जिसके बदले में मुझे हर महीने 10,000 रुपये का रेंट आता है, तो ये भी बिजनेस का रिवेन्यू है, लेकिन मेरा मेन काम प्रॉपर्टी को रेंट पर चढ़ा के पैसा कमाना नहीं था, तो इसको आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या बोलेंगे? नहीं, जिसको आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं बोलेंगे. लेकिन ये सब चीज़ें रेकरिंग नेचर की हैं, ये बिजनेस के अंदर बार बार हो रही हैं, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया रिवेन्यू का. अब इनकम क्या होती है? कहते हैं जी इनकम का मतलब, इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रिवेन्यू. हालांकि रिवेन्यू का मतलब अलग है और इनकम का मतलब अलग है. इनकम का मतलब क्या है? रिवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. जैसे क्लोथ का बिजनेस आप कर रहे हैं दोस्त, आपने एक शर्ट बेची, टी शर्ट बेची, और उसके बदले में आपको 3,000 रुपये का अमाउंट रिसीव हुआ, इसको तो हम नाम देंगे रिवेन्यू का.
लेकिन जो टी शर्ट की कॉस्ट थी जिसको आपने बेचा उसकी कॉस्ट थी 2000 रुपीज, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना दोस्त, जो आपको फायदा हुआ इनके बीच में, कितने का फायदा हुआ दोस्त? 1000 रुपीज का। आप इसको प्रॉफिट नाम नहीं देंगे, आप इसको नाम देंगे किस चीज का? इनकम का। प्रॉफिट क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं अभी, ठीक है जी। तो यहां पर इस एग्जांपल में 3000 रुपए बिजनेस के लिए रिवेन्यू था और इनकम कितने की थी? रिवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, 3000 रुपए आपको रिवेन्यू हुआ और उसकी कॉस्ट कितनी थी टी शर्ट की जो आपने बेची? 2000 रुपए। तो 1000 रुपए जो आपको फायदा हुआ उसको हम नाम देंगे इनकम का। प्रॉफिट वर्ड क्या होता है? प्रॉफिट वर्ड आप कब यूज करेंगे अकाउंटिंग में? प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस रिलेटिंग टू जनरेटिंग रिवेन्यू। मतलब ये जो रिवेन्यू आपने कमाया, जो टोटल रिवेन्यू आपको हुआ, इस रिवेन्यू को कमाने में जो आपका टोटल खर्चा हुआ, अगर उसको माइनस कर दिया जाए टोटल रिवेन्यू में से, तो उसको बोला जाएगा बिजनेस का प्रॉफिट। लेकिन ये हम कब कैलकुलेट करते हैं? पूरे अकाउंटिंग पीरियड का। जैसे एग्जाम्पल दोस्त, आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये पीरियड होता है जी। तो इस पीरियड के अंदर बिजनेस को जितने भी रिवेन्यू मिले उनका टोटल कर दिया जाए तो उनको बोलेंगे टोटल रिवेन्यू। अगर इसमें से माइनस कर दिया जाए इन टोटल रिवेन्यू से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं जिसको हम बोलेंगे टोटल एक्सपेंस, तब जो अमाउंट हमारे पास बचेगा इसको हम नाम देंगे किस चीज़ का? प्रॉफिट का। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ क्लोथ बिजनेस है, क्लोथ में डील कर रहा है जी बिजनेस। मैं कहता हूँ इस बिजनेस ने टोटल जो सेल्स की हैं 50 लाख रुपए का सामान बेचा है जी, क्लोथ जो बेचा 50 लाख का। बिजनेस को रेंट भी रिसीव हुआ 10 लाख रुपीज़ का, इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ 10 लाख रुपीज़ का। तो इसका मतलब बिजनेस के टोटल रिवेन्यू कितने हुए पूरे साल के अंदर? 70 लाख। लेकिन बिजनेस ने इस साल जो सामान बेचा, जो सेल्स की हैं, उसको खरीदा कितने में था? उस सामान को, जो सामान हमने बेचा वो 35 लाख में खरीदा था। इसके अलावा बिजनेस के कुछ और एक्सपेंडिचर हुए, जैसे सैलरी पे की बिजनेस ने, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, एडवर्टाइजमेंट पे की, एडवर्टाइजमेंट का कुछ खर्चा हुआ, ऑफिस एक्सपेंस पे किए 4 लाख, 1 लाख, 1 लाख एंड 5 लाख। तो टोटल एक्सपेंस कितने के हो गए बिजनेस के? 46 लाख। और टोटल रिवेन्यू कितने का आया था? 70 लाख। तो अगर मैं 70 लाख में से 46 लाख को माइनस कर दूँ तो मेरे पास आता है 24 लाख, जिसको मैं क्या नाम दूंगा? प्रॉफिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? टोटल रिवेन्यू आप देखेंगे कितने हुए बिजनेस को टोटल रिवेन्यू, उसमें से अगर आप टोटल एक्सपेंस को माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट। तो रिवेन्यू एक अलग चीज़ है, प्रॉफिट एक अलग चीज़ है और इनकम एक अलग चीज़ है। हालांकि देखने में एक जैसी चीज़ें सी लगती हैं, लेकिन आपको अच्छे तरीके से समझ होना चाहिए। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अकाउंटिंग सीखने वाले हैं, अकाउंटिंग करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि रिवेन्यू क्या है, टोटल रिवेन्यू क्या है, एक्सपेंस क्या है, टोटल एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है और प्रॉफिट क्या है। अब ये गेन क्या होता है, पहले रीड करते हैं फिर इसको समझते हैं। तो देखिए दोस्त, कहते हैं इट इज़ अ प्रॉफिट ऑफ इरेगुलर नेचर रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स इंसिडेंटल टू द बिजनेस। समझ नहीं आया? मैं कहता हूँ जी दोस्त, आप क्लोथ का बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी रेगुलर एक्टिविटी कौन सी है? क्लोथ को बेचना। लेकिन आप कुछ ऐसा काम करते हैं बिजनेस के अंदर, ऐसी ट्रांजेक्शन करते हैं या कोई ऐसी इवेंट बिजनेस के अंदर होती है जिससे बिजनेस को कुछ फायदा मिलता है, उसको बोला जाएगा गेन। जैसे क्लोथ का बिजनेस था तो इस बिजनेस के पास एक ओल्ड मशीन पड़ी है जिसको बिजनेस ने क्या किया? सेल किया। उसकी कॉस्टिंग कितनी थी? 45,000 रुपये। बिजनेस ने उसको 45,000 रुपये में खरीदा था कुछ साल पहले, लेकिन आज की डेट में उसकी बुक वैल्यू, मैं कहता हूँ 30,000 रुपये रह गई हमारी किताबों के मुताबिक। उसके डेप्रिसिएशन लगने से उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 30,000। तो मेरे लिए उसकी वैल्यू आज की डेट में 30,000 है। मैंने उसको, मैं कहता हूँ, मार्केट में बेच दिया 60,000 रुपीज़ में। तो यहाँ पर आपने इस सामान को 60,000 में बेचा जिसकी बुक वैल्यू मेरी किताबों में वैल्यू 30 थी, तो आपको कितने का फायदा हुआ? 30,000 रुपये का। इसको आप बोलेंगे गेन। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, सर 45 में खरीदा आपने, तो 45 में खरीदा था तो 60 में कैसे बेच दिया? दोस्त सुनिए, ये मशीन मैंने कुछ साल पहले खरीदी थी, मैं कहता हूँ 7 ईयर्स पहले खरीदी थी। लेकिन अगर आप इसको आज मार्केट में लेने जाए ना तो इसका प्राइस कितना पड़ेगा आपको? 1 लाख रुपीज़। लेकिन मैंने कस्टमर को उसको कितने में बेच दिया? 60,000 रुपीज़ में। हालांकि मेरी किताबों में उसकी वैल्यू कितनी थी? 30,000। तो मुझे कितने का फायदा यहां पर मिल रहा है? 30,000। इसको आप अकाउंटिंग में जानेंगे किस नाम से? गेन के नाम से, क्योंकि ये बिजनेस की इरेगुलर एक्टिविटी थी, इरेगुलर ट्रांजैक्शन थी, इरेगुलर इवेंट थी।